सुशासन दिवस पर विकास नगर के जनपद में 149 स्थानों पर लगी चौपाल, जिसमें गढ़वाल आयुक्त सहित डीएम देहरादून व तमाम अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं का खाका किया और तैयार किया, और इस मौके पर ग्रामीणों से सुझाव भी लिए गए। तो जिलाधिकारी देहरादून सोनिका विकासखंड विकास नगर की ग्राम पंचायत केदारावाला पहुंची, जहां मौजूद लोगों ने डीएम का फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद स्वराज दिवस के अवसर पर पंचायत भवन में चौपाल आयोजित की गई, जहां डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान कई समस्याओं के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए, और वहीं इसी दौरान ग्रामीणों ने डीएम से गलियों में फैल रहे गंदे पानी की शिकायत भी की, जिसके बाद शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने गांव की गलियों का मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। चौपाल लगाई है, उसमें मेनली एक तो रास्ते की एक बहुत बड़ी समस्या उन्होंने बताई है। रास्ता भी क्या, लोगों ने क्योंकि अपना घर का पानी बाहर छोड़ना चालू कर दिया है, तो नाली नहीं है तो रास्ते पे पानी आता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। प्लस इसके अलावा स्कूल में कुछ इश्यूज हैं, और एक जो सबसे मेजर आया है यहाँ पे वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकानों के लिए आया है। एक जो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या जो मेजरली है वो शौचालयों से रिलेटेड है, कि शौचालय कुछ घरों में नहीं है।